अग्निवीर भर्ती परीक्षा मेरठ कैंट में फर्जी वीजा गिरफ्तार 5 लोगों से ले चुका है 30 लाख रुपए। पकड़े गए गणेश भट्ट ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वह 5 लोगों को पास कराने का झांसा देकर 30 लाख रुपए ले चुका है। पुलिस रुपए देने वालों की जानकारी जुटा रही है। आर्मी इंटेलिजेंस और लाल कुर्ती पुलिस ने बुधवार रात कैंट क्षेत्र से फर्जी मेजर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, जिसमें उसने कुछ लोगों से मोटी रकम लेकर पास कराने का झांसा दे रखा था। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति खुद को मेजर बताकर सैन्य कर्मियों व आम नागरिकों पर रौब गालिब कर रहा है। टीम ने सप्लाई डिपो के पास उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम गणेश भट्ट निवासी अब्दुल्लापुर पिंजौर मच्छी वाली गली पंचकूला हरियाणा बताया है। उसके पास मेजर की वर्दी, 2 मोबाइल फोन और 2500 रुपए बरामद हुए हैं। मोबाइल की जांच की तो उसमें हरियाणा सरकार के कुछ जनप्रतिनिधियों के उसके साथ फोटो मिले हैं। एसपी ने बताया कि उसके खिलाफ हरियाणा में भी ठगी का मुकदमा दर्ज है। मेरठ में भी लाल कुर्ती पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। देर रात तक आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। 5 लोगों से ले चुका है 30 लाख। पकड़े गए गणेश भट्ट ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वह 5 लोगों को पास कराने का झांसा लेकर 30 लाख रुपए ले चुका है। पुलिस रुपए देने वालों की जानकारी जुटा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि गणेश शहर या कैंट में तो और किसी के संपर्क में नहीं था। मोबाइल से भी जानकारी जुटाई जा रही है, कहीं माफिया जानकारी तो नहीं जुटा रहा था। पूछताछ में गणेश भट्ट बार बार बयान भी बदल रहा था। कभी कहता है कि घूमने आया तो कभी ठगी की बात करने लगता है। उसके मोबाइल से कैंट क्षेत्र की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। वह यह नहीं बता पाया कि वह मेरठ कैंट में कितने दिन से है। आर्मी इंटेलिजेंस व पुलिस ये भी खंगाल रही है कि कैंट से वह कोई गोपनीय जानकारी तो नहीं जुटा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह भी देखा जा रहा है कि कहीं गणेश भट्ट का कनेक्शन किसी आतंकी गतिविधि से तो नहीं है।